हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। आई होप कि आप सारे लेक्चर्स को कनेक्ट करके चल रहे हों। ये नहीं कि हाँ पहला लेक्चर सुना, दूसरा हमने पढ़ रखा है, छोड़ दिया एंड ऑल दैट। मेक श्योर कि आप लेक्चर्स कनेक्ट करके चल रहे हों। देखिए, कुछ चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ की स्पेशली तब जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मन चाहे जिस जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसके जिस भी टीचर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, जिसकी बातें आपको अच्छे से समझ में आती है, जिसे आप अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, किसी भी एक टीचर को फॉलो करके चलिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं, बायजूस है, खान अकेडमी है, लर्न CBSE है, तिवारी अकेडमी है, आई मीन देयर आर लॉट सोर्सेज टू लर्न ऑनलाइन। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लेक्चर्स पढ़ें या स्कूल के दूसरे, जिस भी टीचर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बेटर बैठती है, जिसकी आपको बातें अच्छे से समझ आती है, कंसिस्टेंटली उसी के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। तभी एक किसी भी चैप्टर का ना एक आउटलाइन आप तभी ड्रॉ कर पाएंगे कि मैंने इस चैप्टर में सीखा क्या। ठीक है, किसी भी, जैसे अगर आप मेरे लेक्चर, मैं अपना बता रहा हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो आप ज़रा ठंडे दिमाग से सारे लेक्चर्स को कनेक्ट कीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, किस किस ऑर्डर में हम लोग चले और कहाँ तक पहुँचे, टेंथ में हमारी नॉलेज किस लेवल तक ग्रोथ हुई है। जैसे अगर हमने रियल नंबर्स पढ़ा, तो आप देखिए कि नाइन्थ तक मेरी रियल नंबर्स की नॉलेज कहाँ तक थी और अब टेंथ में सर से पढ़ने के बाद मेरी रियल नंबर की नॉलेज कहाँ तक पहुँची, क्या वहाँ कोई इफेंट बट है, क्या कोई ऐसी चीज़ जो अनएक्सप्लेन रह गई हो, कोई लॉजिकल या थियोरेटिकल कोई ऐसी बात। तो अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के क्लियर हैं, तो इसका मतलब आप अच्छा जा रहे हैं, आपकी टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी बन रही है एंड यू आर गुड, आप बिल्कुल उसे फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक टीचर के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग बना के कंसिस्टेंसी के साथ चले। ठीक है, कभी कभी कोई लेक्चर, जैसे मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लग रही हूँ, कभी कभी कुछ लेक्चर्स इफेंट बट होते हैं, बट ऑड्स इवन बने रहते हैं हमेशा लाइफ में। आप प्रॉपरली बातें सुनिए, क्या बता रहे हैं उसमें मेरे काम की क्या चीज़ है, ज़रूर सुनिए, समझिए। ठीक है, खैर, आज हम लोग टेंथ में ट्राइंगल वाले चैप्टर में जो चल रहा है हमारा, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या इंटरसेप्ट थ्योरम भी कहते हैं उसे। अब हम लोग थोड़ा सा थेल्स भाई साहब से साइड हट रहे हैं एक सेकेंड के लिए। आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि सेवन्थ में हमने पढ़ा है, नाइन्थ में भी हमने पढ़ा और काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, और इस चैप्टर की, इस टॉपिक की टेंथ में फिर से नीड होगी, कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, मतलब कॉन्ग्रुएंसी। सेवन्थ में पढ़ा है, नाइन्थ में पढ़ा है, काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, फटाफट से मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसे भी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का भूल गया हो या सेवन्थ में नाइन्थ में आपको नहीं समझ में आया हो, तो जब आप कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, तो हम ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात कर रहे हैं जो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल मतलब जिनको प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिनका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, लाइन 2D फिगर है, लाइन को आप सिर्फ प्लेन पे बना सकते हैं, रियल लाइफ में नहीं बना सकते। रियल लाइफ में आप ढूंढिए कहाँ है कोई लाइन, लाइन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ प्लेन पर होती है। एंगल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ प्लेन पर होता है। एंगल की कोई विड्थ नहीं होती, लाइन की कोई विड्थ नहीं होती। अगर आप रियल लाइफ में आएंगे तो रियल लाइफ के जितने भी शेप आप अपने सामने देख रहे हैं, वो सब 3D शेप होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। तो 2D शेप मतलब बोर्ड पर, और जरा सी भी विड्थ हुई अगर 2D शेप की, जैसे ये लाइन, इस लाइन की जरा सी भी विड्थ हुई अगर, तो वो बोर्ड से बाहर निकल जाएगी। लाइन की जरा सी भी मोटाई हुई तो बोर्ड से बाहर आ जाएगी, और अगर वो बोर्ड से बाहर आ गई तो वो 2D नहीं रहेगी, फिर वो 3D होगी। खैर, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे आई होप। तो जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात कर रहे हैं जो टू डायमेंशनल है, जैसे लाइन, एंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, है ना, सर्कल। जो कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स होता क्या है, ऐसे टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स, द ज्योमेट्रिकल फिगर्स दैट आर आइडेंटिकल इन देयर शेप एंड साइज, जो शेप में एक जैसे हों, साइज में भी एक जैसे हों। शेप में एक जैसे होने का मतलब एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर नहीं होना चाहिए, साइज में एक जैसे होने का मतलब अगर दोनों स्क्वायर है तो दोनों की साइज बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब शेप भी एक जैसी हो, साइज भी एक जैसी हो। ठीक है, दैट आर आइडेंटिकल इन देयर शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स शेप और साइज में कौन आइडेंटिकल होंगे, जैसे हमारे हाथों की ये दोनों हथेलियां, ठीक है, ये जनरली एकदम
प्रिसाइसली नहीं कह सकते, परफेक्शन नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ उंगलियाँ बाकी टेढ़ी हो सकती हैं। जनरली हमारे हाथों की उंगलियाँ शेप में और साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। जनरली अगर हम इधर से देखें तो शायद पीछे वाली पाम हमें पीछे वाली हथेली में नहीं दिखाई देगी, और अगर हम इधर से देखें तो शायद हमें पीछे उधर वाली हथेली नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है, जो शेप और साइज में आइडेंटिकल हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। और चूंकि वो शेप और साइज में कॉन्ग्रुएंट आइडेंटिकल हैं, तो वो एक दूसरे को पूरा ढक भी लेते हैं, ओवरलैप भी कर जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन ऐसे भी दी जाती है, द ज्योमेट्रिकल फिगर्स दैट ओवरलैप ईच अदर कंप्लीटली, जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, सुपर इम्पोज कर जाएं, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ओके, अब यहीं से एक और बात सामने आती है, अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, तो जितना स्पेस ऊपर वाला ज्योमेट्रिकल फिगर ऑक्यूपाई कर रहा होगा, उतना ही स्पेस नीचे वाला भी ऑक्यूपाई करेगा। जितनी जगह ये वाला ज्योमेट्रिकल फिगर ऊपर वाला ऑक्यूपाई कर रहा होगा, उतनी जगह नीचे वाला भी ऑक्यूपाई करता रहा, मतलब दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया ऑक्यूपाइड इक्वल होगा। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के एरिया बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया बराबर होंगे, लेकिन अगर एरिया बराबर वाले दो फिगर्स हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल साइड किए जा सकते हैं यार, कोई तो बड़ा कोई भी आपके अपने मान, एक स्क्वायर मैंने बनाया 3-3 सेंटीमीटर का, इसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक राइट ट्रायंगल बनाया 3 और 6 जिसका परपेंडिकुलर और बेस 3 और 6 है, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये 6 3 18 में 2 से डिवाइड करें, इसका भी एरिया 9 आ रहा है, इसका भी एरिया 9 आ रहा है, दोनों के एरिया बराबर है। इसका मतलब ये थोड़े कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये इसको ढक लेगा क्या? क्या ये दोनों शेप में एक जैसे हैं? साइज की तो बात ही बात की, क्या ये दोनों शेप में एक जैसे हैं? नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये कि अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरिया जरूर बराबर होंगे। ये सारी बातें तो वैसे आप पहले से जानते होंगे, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से, चूंकि मुझे आगे इन सब चीजों को ले जाना है, तो मैं अपनी तरफ से एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, जिन भी स्टूडेंट्स की नोटबुक पर्सनली मैं चेक करूंगा, उनकी नोटबुक में ये सब होना चाहिए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो अभी हम लोगों ने बात की कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या है। अब ये सोचने वाली बात है कि चाहे क्लास 7th हो चाहे क्लास 9th हो, हम लोग बार बार कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स ही पढ़ रहे हैं। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स ही क्यों पढ़ाई जाती है, ये बात समझिए जरा फटाफट से, मतलब जल्दी जल्दी से, कुछ ये सब कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए, बट ठीक है। आप अगर देखें कि दो लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, या सॉरी दो लाइंस नहीं, दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन लेंथ। लाइन सेगमेंट्स अगर हमने लिए हैं तो दोनों की शेप तो एक जैसी हो गई, अब साइज बराबर करने का मतलब उनकी लेंथ बराबर हो गई तो साइज ही बराबर हो गई, और अगर शेप साइज बराबर हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। टू स्क्वायर्स, ठीक है, 2D पे कैसे कैसे फिगर होते हैं, दो डॉट से कौन बनता है लाइन, तीन डॉट से कौन बनता है ट्राइंगल, चार डॉट से कौन बनता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में भी मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर रहा हूँ, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। ओके, सो टू स्क्वायर्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी, इफ देयर साइड लेंथ्स आर इक्वल, अगर दोनों की साइड, अगर मैं कुछ स्टूडेंट से कहूँ कि भाई स्क्वायर बना के दीजिए जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का सारे स्टूडेंट जो स्क्वायर बनाएंगे वो एक ही जैसा होगा, उन सबकी कटिंग निकाल के अगर हम एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, तो वो ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर दुनिया में कहीं भी कोई बनाएगा तो एक ही जैसा बनाएगा, है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक्चुअली अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर का एक ही स्क्वायर एग्जिस्ट करता है और बाकी सारे लोग जो स्क्वायर बना रहे हैं 3 सेंटीमीटर का, वो कॉपी है। कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का मतलब एक ही पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर की कॉपी पेस्ट एकदम एज इट इज, जो कि ठीक है कंप्यूटिंग में ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। खैर, ओके,
सो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आया। टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, है ना। अगर मैं सबसे कहूँ कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाइए तो सब एक ही जैसा सर्कल बनाएंगे। सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेडियस। स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, साइड लेंथ। लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसकी लेंथ। टू रेक्टेंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, है ना। दो रेक्टेंगल्स हैं, अगर दोनों की लेंथ और ब्रेथ बराबर है, रेक्टेंगल बोल देने का मतलब शेप एक जैसी होगी। अब अगर लेंथ बराबर हो गई, ब्रेथ भी बराबर हो गई दोनों की, तो वो साइज में भी एक जैसे हैं, इसका मतलब दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो रेक्टेंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, सिंपल, लेंथ एंड ब्रेथ। स्क्वायर की एक फैक्टर पे साइड, सर्कल की एक फैक्टर पे रेडियस, लाइन सेगमेंट की एक फैक्टर पे लेंथ। लेकिन ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी 6 फैक्टर्स पर डिपेंड करने लगेगी। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि ट्राइंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तब तो मैथमेटिशियन के सामने बड़े सरदर्द हो गया कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए मुझे साइड्स मैच करनी पड़ेगी, एंगल्स भी मैच करने पड़ेंगे, 6 फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी, है ना। तो फिर बाद में कुछ प्रूविंग हुई, कुछ ज्योमेट्रिकल वर्क हुआ और मैथमेटिशियंस ने बिल्कुल सिंपल, है ना, आपको मालूम भी है ये सारी चीजें, बिल्कुल सिंपल 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दिए ट्रायंगल के लिए। इसीलिए ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई जाती है और ये स्क्वायर की, सर्कल की, इन सब की नहीं बताई जाती। उसकी वजह है क्योंकि ये सब बिल्कुल सिंपल है, ट्रायंगल थोड़ा सा इनसे कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर हम ट्रायंगल के बाद कहें कि सर क्वाड्रिलेटरल की कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं पढ़ाई जाती पेंटागन की और ऐसे वैसे, तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी अगर हम जानते हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल बना करके कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं इस तरीके से। खैर, क्वाड्रिलेटरल की भी कॉन्ग्रुएंसी एक अपना अलग टॉपिक है, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम इन सब के बारे में नहीं जानते या सोचते भी। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है इन सारे ज्योमेट्रिकल फिगर से, लाइन सेगमेंट स्क्वायर से सर्कल रेक्टेंगल के कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रूल क्राइटेरिया है जिनको पढ़ने के बाद हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को कर सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल फिगर ट्राइंगल है। अगर आपकी ट्राइंगल अच्छी है या ट्राइंगल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक्चुअली ट्राइंगल के साथ साथ सर्कल को भी कहना जरूरी है क्योंकि सर्कल एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है, बट ट्राइंगल अगर आपका तैयार है तो ट्राइंगल से ही क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल से ही पेंटागन है, ट्राइंगल से ही हेक्सागन है, ठीक। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम डिवाइड, सब डिवीजन बनाकर उसको 2-3 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, पेंटागन को हम 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से। तो ट्राइंगल अगर आपका तैयार है तो आप उसी थ्योरी को क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन पे, हेक्सागन पर जनरलाइज किया जा सकता है। लेकिन ट्राइंगल समझ में आना जरूरी, इसीलिए फंडामेंटल स्टडी में हमारे ट्राइंगल को ही पकड़ के चला जाता है। इतनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ट्राइंगल को लेके पढ़ी है, पूरी बुक लिख दी जाए तो भी कम पड़ जाएगी। खैर, ये आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो हम लोगों ने अभी बात की कि बाकी सारे ज्योमेट्रिकल फिगर की कॉन्ग्रुएंसी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेकिन ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को अगर हम ध्यान दें तो उसमें 6 फैक्टर्स आ जाएंगे, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। फिर बाद में मैथमेटिशियंस ने काम किया, कुछ ज्योमेट्रिकल वर्क किया और उन्होंने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि भाई हमें 6-6 फैक्टर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, है ना। कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दी उन्होंने, क्या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दिया उन्होंने, ये कहा कि अगर आपके पास 2 ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल की साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, एंगल देखने की जरूरत नहीं है, अगर इस ट्राइंगल की साइड और दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे का मतलब एंगल्स भी बराबर होंगे, लेकिन उनको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर साइड्स बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये डबल लाइन वाली, ये डबल लाइन वाले के बराबर है, ये ट्रिपल डैश वाली ट्रिपल डैश वाले के बराबर है, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए बी, ट्राइंगल ए बी सी, ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये वाला साइन कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज किया जाता है। क्यों ये वाला साइन कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज किया जाता है, ये साइन यूज किया जाता है ना, शेप एक जैसी होने के लिए। अगर शेप एक जैसी है तो आप ऐसी साइन यूज करते हैं, और अगर वो साइज में इक्वल है तो ऐसी साइन यूज करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी मीन्स शेप में बराबर है, मतलब सिमिलर दिखने वाले हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, और साइज में भी इक्वल है,
The geometrical figures that are identical in shape and size, इसीलिए ये sine congruency के adopt की गई थी, खैर ये सब आई होप आपको ये सब मालूम हो। खैर तो अगर आप ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो ए बी वाली साइड किस पर जा रही है, ए बी वाली साइड किसके बराबर है, पी क्यू के। ट्राइंगल पी क्यू आर अगर मैं लिख दूं पी क्यू आर, तो आप देखिए ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, बी सी साइड क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। ओ ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, बी सी साइड यहाँ पर बी सी आ रहा है और यहाँ क्यू आर आ रहा है, बी सी को क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, बी सी क्यू आर के इक्वल थोड़े, बी सी तो पी आर के इक्वल है, मतलब नेमिंग गलत लिखा रही है। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान देनी है। पी क्यू आर अब मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। अब आप सोचिए कि ए बी वाली साइड आपकी सेट एडजस्ट हो रही है इस पर, ओके किस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया जाए, ए बी पी क्यू आर ना लिख करके अगर मैं क्यू पी आर लिख दूं ना, तो बी सी किसके बराबर है, पी आर के, बी सी बराबर पी आर। अगर आपने यहाँ पी क्यू आर लिखा तो गलत हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है कॉन्ग्रुएंसी में भी और जो भी हम आगे पढ़ेंगे सिमिलैरिटी उसमें भी, कि नेमिंग बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा नहीं। ए बी किसके बराबर है, क्यू पी के, देखिए ए बी और क्यू पी इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, पी आर के, बी सी और पी आर इक्वल है, और ए सी किसके बराबर है, क्यू आर के, ए सी बराबर होना चाहिए क्यू आर के है। अब ये हमारी नेमिंग सही लिखाई है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका फर्दर मतलब क्या होगा कि एंगल ए क्यू के बराबर होगा, एंगल बी पी के बराबर होगा और एंगल सी आर के इक्वल होगा। अब एंगल हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए एस 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 क्राइटेरिया दिया गया कि अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं। सो दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सेम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, एस 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 साइड 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 क्राइटेरिया, ये सब आपको मालूम है। इसी तरीके से एस ए एस क्राइटेरिया दिया गया साइड एंगल साइड। देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखे गए ए बी सी, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये डबल लाइन वाली, तो कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ए वाला कॉर्नर पी पे आ रहा है, बी वाला कॉर्नर सिंगल लाइन आर पे आ रहा है, पी आर क्यू। नेमिंग बहुत जरूरी है, ए वाला एंगल पी के बराबर है, देखिए ए बी साइड पी आर के बराबर होनी चाहिए, ए सी साइड, ए सी साइड जो है वो पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही ऑर्डर में, पहले ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी लिख लीजिए लेकिन दूसरे ट्राइंगल का नाम बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली लिखना पड़ता है कि ए वाले वर्टेक्स, है ना। अगर आप देखेंगे तो इस ट्राइंगल को ऐसे रोटेट करके इसके ऊपर ओवरलैप कराया जा सकता है, इस ट्राइंगल को ऐसे पकड़िए ऐसे घुमा दीजिए बिल्कुल इनवर्ट उल्टा 180 डिग्री और उठा करके इस पर रख दीजिए, ये ट्राइंगल जैसे ही नीचे आप करेंगे तो ए नीचे आ जाएगा और ए बी वाली साइड उधर घूम के चली जाएगी, है ना, इसके ऊपर सेट कर दीजिए। तो जो कॉर्नर जिस पे बैठा है वैसे ही नाम लिखना होता है, ए वाला कॉर्नर पी पे सेट होगा, बी वाला कॉर्नर आर पे सेट होगा और सी वाला कॉर्नर क्यू पे सेट होगा। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आई होप आपको ऐसे एस रूल, अच्छा ये रूल बहुत रिजिड होता है। रिजिड होने का मतलब ये जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच का ही होना चाहिए, दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए इन दोनों साइड और इनके बीच के एंगल के। ऐसा नहीं कि ये एंगल अगर सर ये वाला एंगल बराबर हो जाए, ये दोनों एंगल बराबर हो जाए तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो जवाब है नहीं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर होना चाहिए, तब भी आप एस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वरना नहीं। थर्ड रूल हमारा क्या है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, जैसे यहां पर है ये दो एंगल और उनके बीच की साइड और ये दो एंगल और उनके बीच की साइड। यहाँ पर नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी की जगह जा रहा है हमारा पी आर क्यू, आप खुद इसे क्रॉस चेक कीजिए कि क्या ये नेमिंग सही लिखी है, ओके। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये रूल जितना ही रिजिड है ना, जितना ही सख्त है, क्यों सख्त है ये, क्योंकि दो साइड के बीच का ही एंगल इसको चाहिए तभी ये कहेगा कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये रूल उतना ही फ्लेक्सिबल है, ये कहता है कि भाई दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, इसको ऐसे कर लो यार, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, अगर आपने इन दोनों एंगल्स को इन दोनों एंगल्स के बराबर कर दिया तो
तो तीसरे एंगल के पास कोई ऑप्शन बचा क्या इक्वल होने के अलावा? अगर आपने ये 30 डिग्री लिखा, इसको भी 30 डिग्री लिख दिया, इसको 60 डिग्री लिखा, इसको भी 60 डिग्री लिख दिया, तो इसके पास कोई ऑप्शन बचा क्या 90 डिग्री होने के अलावा? इसके पास कोई ऑप्शन बचा क्या 90 डिग्री होने के अलावा? नहीं, ये 90 का है नहीं, बस मान लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा आप। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि दो, ये वाला जो रूल है ए एस ए वाला रूल, इसमें दो एंगल कोई भी हो सकते हैं, कोई भी दो एंगल, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो यहाँ ये जरूरी नहीं कि ए एस ए ही लिखें, इस रूल को आप ए ए एस भी लिख सकते हैं, एस ए ए भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी दो एंगल और एक साइड अगर बराबर है दो ट्राइंगल में तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये रूल जितना ही फ्लेक्सिबल है, ये एंगल्स के साथ बिल्कुल फ्लेक्सिबल है कि दो एंगल कहीं के भी ले लीजिए भैया, ठीक है, लेकिन ये रूल बहुत सख्त है, इसको ये जो एंगल चाहिए वो दोनों साइड के बीच का ही चाहिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भूल गया हो तो आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी नोटबुक में, इसे जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा क्राइटेरिया कैसे यूज होता था। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर पार्ट। और एक और लास्ट क्राइटेरिया हमारा क्या था, आरएचएस क्राइटेरिया होता है आपका, आपने जरूर पढ़ा वैसे, फोर्थ आरएचएस क्राइटेरिया। ओके, इसको हम लोग समझेंगे फटाफट से। ओके, सबसे पहली चीज कि आरएचएस क्राइटेरिया फंडामेंटल क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्ग्रुएंसी के फंडामेंटल क्राइटेरिया कितने हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के, तो आप सिर्फ तीन ही बताएंगे। ये तो जबरदस्ती का पढ़ाया जाता है और उसकी वजह समझिए आरएचएस क्राइटेरिया क्या होता है। अगर ये रूल सिर्फ राइट ट्राइंगल्स के लिए, अगर दो राइट ट्राइंगल्स में, मतलब उनको पहले से मालूम चल गया कि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, अगर दो राइट ट्राइंगल्स में दोनों के हाइपोटेनस बराबर है और हाइपोटेनस के सिवा 90 डिग्री बनाने वाला कोई भी करस्पॉन्डिंग लेग बराबर है, जैसे ये वाला लेग इसके बराबर हो, ये लेंथ बराबर हो और हाइपोटेनस बराबर हो, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको आरएचएस क्राइटेरिया से मत सोचिए एक मिनट के लिए। अगर आपको मालूम है कि दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेनस बराबर है, बेस बराबर है, तो परपेंडिकुलर तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालेंगे तो दोनों का परपेंडिकुलर सेम आएगा। जब इस हाइपोटेनस और बेस के हिसाब से जो परपेंडिकुलर यहाँ आएगा वही परपेंडिकुलर इस हाइपोटेनस और बेस के हिसाब से यहाँ आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों के सेम है, बेस दोनों का सेम है। तो अगर ये बेस परपेंडिकुलर दोनों का सेम आ गया तो एस 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 क्राइटेरिया हो गया ना, साइड 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 क्राइटेरिया। जब राइट ट्राइंगल में दो साइड फिक्स हो गई तो तीसरी साइड तो ऑटोमेटिकली फिक्स होगी, तो ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ये एस 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 क्राइटेरिया ही है, बट राइट ट्राइंगल में इन्फॉर्मेशन वाली बात है यार। अगर आपको ये साइड नहीं दी हुई है तो आप कैसे कहेंगे, अगर आपको ये साइड ना देकर के एंगल दिया हुआ है तो हम एस 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 ना लिख करके आर एच एस लिख देते हैं। तो दो राइट ट्राइंगल, आर एच एस क्राइटेरिया इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट ट्राइंगल्स, इन टू राइट ट्राइंगल्स if their corresponding hypotenuse are equal and any one leg of right angle, ठीक है, right angle बनाने वाला कोई भी एक leg, if and any one leg of right angle are equal in, ठीक है, correspondingly, then the triangles are said to be congruent triangles by RHS criteria. तो naming बड़ी simple है यहाँ पर, यहाँ हम लिख सकते हैं triangle ABC is congruent to triangle PQR, ये तो बड़ा simple है, है ना, ये B वाला corner Q पर है, ये C वाला corner R पर है और ये वाला corner मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर होगा ही होगा, सी वाला एंगल आर वाले एंगल के बराबर होगा ही होगा। आप चाहें तो कंस्ट्रक्ट करके बाद में मेजर करके देख भी सकते हैं। सो इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंसी, आई मीन आपको कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से तैयार होगी, आपने सेवेंथ में पढ़ी है, नाइन्थ में पढ़ी है, बट आई विश कि अगर उसमें कहीं कोई पेंट बट कोई कॉन्सेप्चुअली या कहीं कोई कोर नॉलेज में कमी रह गई हो तो वो आज आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो। चाहे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर हो या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हो, आपको दोनों ही बातें आज के लेक्चर में अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के साथ, अगर दो ज्योमेट्रिकल शेप, दो ज्योमेट्रिकल फिगर शेप में सेम है लेकिन साइज में इक्वल नहीं है, तो उनको की बात करेंगे जिनको सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करिए।